हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी फिर से एक बार स्वागत है। गाइस, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था फीस स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, उसमें मैंने सभी कोर्सों के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, तो जिन कोर्सों को मैंने छोड़ दिया था उसमें, इसमें हम लोग उसको कवर करेंगे। और ये हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट टू है उसका। ठीक है, और हम लोग इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के फीस स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे। थंबनेल में भी आपने देखा होगा, PhD, बी फॉर्मा, एम फॉर्मा, बी फॉर्मा लेटर एंट्री, PG डिप्लोमा, डी फॉर्मा एंड BEd का हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा PhD। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो जितने भी है ना, ये फी इंस्टीट्यूशन फी हो गया, और फैकल्टी इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट, लाइब्रेरी फ़ी, एकेडमिक असेसमेंट, लैबोरेटरी फ़ी। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप लोगों को नो करना है, क्योंकि ये जितने भी इनका फ़ी है ना, इसी को ऐड करके सभी एक टोटल फ़ी बनाया गया, जो आप लोगों को पे करना होगा। ठीक है, तो हम लोग केवल उसी को देखेंगे, वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। ठीक है, एक डिस्कस अगर करेंगे तो। सो यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे, टोटल फ़ी जो है ना PhD में, आप लोगों को फर्स्ट ईयर और जितने साल का होता है, मान लो ये जनरली जो है 3 ईयर में कंप्लीट हो जाता है PhD। ठीक है, लेकिन कई लोग 5 ईयर 6 ईयर ले लेते हैं इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये देख लीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पे करना पड़ेगा इसका 9,210 रुपये। ठीक है, यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे, और अदर जितने भी सेमेस्टर आप उधर पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि इसका ड्यूरेशन फिक्स नहीं है फिक्स, लेकिन आप पता नहीं कि आप उस ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो क्या है, तो इसका अदर सेमेस्टर से फ़ी आप लोगों को 7,350 रुपये लगते हैं, और हॉस्टल फ़ी जो है ना 2,750 रुपये लगते हैं। ठीक है, PhD वालों के लिए एक अलग हॉस्टल है, जो सोन हॉस्टल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सोन हॉस्टल उसका नाम है, और उसका अलग मेस है, और वो मतलब एक अलग हॉस्टल ही है। ठीक है, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है वहाँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा PG डिप्लोमा प्रोग्राम। ठीक है, बहुत लोग PG से डिप्लोमा भी करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ फर्स्ट में आप लोग देख पा रहे हो, टोटल हम लोग फी देखेंगे, इसको इग्नोर करेंगे यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पास आप लोग देख पा रहे हैं, टोटल फ़ी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को गर्ल्स बॉयज़ दोनों को 2,250 रुपये पे करना पड़ेगा, और अदर सेमेस्टर में आपको 850 रुपये पे करना पड़ेगा। हॉस्टल फ़ी सेम है सभी में, 2,750 रुपये और प्लस 500 रुपये, मतलब आपको कुछ समथिंग वही पड़ जाता है, 3,200 3,300 रुपये। ठीक है, पड़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा BEd का फीस स्ट्रक्चर, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो BEd में टोटल 4 सेम होते हैं। ठीक है, 4 सेम होते हैं, 2 ईयर कोर्स होता है ये। ठीक है, और आप लोग यहाँ पास देख पा रहे होंगे टोटल फ़ी कितना है। ठीक है, ये सब इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये सभी ऐड होकर ये फ़ी बना हुआ है टोटल फ़ी। ठीक है, तो टोटल फ़ी हम लोग देख ले रहे हैं, टोटल फ़ी यहाँ पास है 6,150 रुपये हम लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना पड़ेगा, गर्ल्स ही हो या फिर बॉयज़, गर्ल्स को इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिला है। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर से आप लोगों को पे करना पड़ेगा 5,450, फिर थर्ड सेमेस्टर में भी 5,450, और लास्ट सेमेस्टर में हम लोग को ज़्यादा पे करना पड़ेगा 6,950 रुपये। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, और हॉस्टल फ़ी और हॉस्टल यूजर मनी आप लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर है हमारा डी फार्मा प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये केवल 2 सेम का है यहाँ। ठीक है, जो कि ईयरली होता है। इसमें देख लीजिए टोटल फ़ी कितना दे रखा है, 11,150 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पे करना पड़ेगा, आप चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय। ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग देख लीजिए 10,450 रुपये आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पास आप लोग देख पा रहे होंगे हॉस्टल फ़ी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इस वीडियो में केवल इतना ही था, और अभी एक और वीडियो मेरा अपलोड होगा, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो है ना एकेडमिक शेड्यूल के ऊपर है। ठीक है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।